फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। आई एम एडवोकेट स्नेहा सोनी फ्रॉम तक्षशिला लॉ एकेडमी, अलीगंज, लखनऊ। ओके, तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मेंस की आंसर राइटिंग रिगार्डिंग हिंदू लॉ, और हिंदू लॉ में भी हिंदू सक्सेशन एक्ट, ठीक है, जिसमें 2005 में अमेंडमेंट आया था। देन उसके बाद प्रीवियसली 2020 में ही, अभी जस्ट रिसेंटली 11th August 2020 में भी बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट आया विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा को लेके। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, और ये क्वेश्चन अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी है आने की, तो उसकी आप आंसर राइटिंग किस तरह से करेंगे। ओके, तो विदाउट एनी डिले वी शुड स्टार्ट द वीडियो। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि क्वेश्चन इज एक्स एक हिंदू मेल है, गवर्न बाय मिताक्षरा लॉ, डाइड एज एन अनडिवाइडेड कोपार्सनर इन 2006। अब ये जो ईयर है 2006, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, लीविंग बिहाइंड हिज फादर एफ, मदर एम, टू सन्स S1 S2 S1's वाइफ, ठीक, S1W, S1 वाइफ को हम क्या बोलेंगे, S1W, और उसका बेटा S1S, एंड अन अनमैरिड डॉटर डी, एक अनमैरिड डॉटर भी है, एज सर्टेन द शेयर्स ऑफ ऑल एफोसेड पर्सन्स इन द कोपासनरी प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन है कि भाई एक हिंदू मेल है एक्स, उसकी डेथ हो जाती है, कब डेथ होती है, 2006 में, किसको पीछे वो छोड़ के जा रहा है, फादर, मदर, दो बेटे हैं S1 S2, S1 की वाइफ है S1 W, उसका एक बेटा भी है S1 का S1 S, और एक डॉटर है, अनमैरिड डॉटर है डी। अब हमको ये असर्टेन करना है कि इनके क्या शेयर्स बनेंगे कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो नाउ बिगिन विद द आंसर। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम से समझते हैं कि क्या फैक्ट्स हैं हमारे पास। फादर है, मदर है, एक्स वो बंदा है जिसकी डेथ हो गई 2006 में, किसको पीछे छोड़ के गया वो, S1 S2 और एक अनमैरिड डॉटर डी, S1 की शादी हो गई है S1 W, और इन दोनों का बेटा है S1 S, ठीक है, पिक्चर क्लियर। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं आंसर राइटिंग की। तो जो फिगर है हमारे पास, ठीक, जो हमारे पास ये फिगर थी जो हमने अभी दिखाया था आपको, उसमें क्या है कि जो पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन था, जो टोटल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था पर कैपिटा डिस्ट्रीब्यूशन, वो सबसे पहले किसके बीच में बटा, वो बटा फादर, मदर और सन के बीच में। तो हर एक को कितना इक्वल शेयर मिला, 1/3, 1/3 मिला सबको। अब उसके बाद, अब जो सन का है, ओके, फादर का 1/3 है, मदर का 1/3 है, अब जो 1/3 एक्स का, जो बेटा मर गया जिसकी डेथ हो गई 2006 में, उसका जो 1/3 है वो किसके बीच में बटा, S1 S2 और D, उसका एक बेटा, दो बेटा और एक उसका डॉटर, अनमैरिड डॉटर। तो कितना डिवीजन हो गया, सबको कितना मिलेगा, 1/12, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब ये जो 1/12 है, जो S1 है उसका 1/12 फर्दर डिवाइड होगा, S1 का जो डॉटर, जो सन है जिसकी शादी हो गई है, जिसको S1/12 मिला है, वो फर्दर डिवाइड होगा इक्वली बिटवीन S1W, उसकी वाइफ, S1 और S1S, यानी S1 का बेटा। तो कितना हो गया, 1/36 हर एक का। देखिए, सबसे पहले जो मेजर प्रॉपर्टी थी वो किसके बीच में बटी, फादर, मदर और एक्स, जिसकी डेथ हो गई, फादर, मदर का बेटा एक्स। एक्स की प्रॉपर्टी 1/3 थी, वो किसके बीच में बटी, S1 S2 और D, अनमैरिड डॉटर है। अब S1 S2 और S3 को कितना मिलेगा 1/3 में से, 1/12 हर एक को। अब 1/12 जो S1 की प्रॉपर्टी है वो भी फर्दर डिवाइड होगी अपने, उसके बेटे में, उसकी वाइफ में और उसके खुद में, तीन हिस्से लगेंगे अब उसके भी। तो उन तीन हिस्से का क्या हो जाएगा, 1/36। तो उसको कितना पोर्शन मिल रहा है, 1/36। अब एक्स को कितना मिला, 1/12, वो उसका खुद का है क्योंकि उसका फर्दर डिवीजन भी तो हुआ,
तो वो उसका खुद का हो गया। तो ही डाइड इंटरेस्टेड, यानी कि उसने कोई विल बनाए बिना उसकी डेथ हो गई 2006 में। तो जो रूल ऑफ सक्सेशन है वो अप्लाई करेगा, क्लास वन हायर्स विल गेट द होल प्रॉपर्टी। अब क्लास वन जो हायर्स हैं, यानी कि क्लास वन हायर्स में कौन कौन आते हैं, एक्स की मदर, सन, डॉटर इन दिस केसेस, ठीक। और एम जो मदर है, एस वन, एस टू और डी, ईच विल गेट 1/48 शेयर ऑफ द सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ठीक। ये यहाँ तक क्लियर, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम मेन बात करते हैं जो हमारी डॉटर है, अनमैरिड डॉटर के बारे में, क्योंकि रीसेंट जजमेंट्स में सबसे ज़्यादा यही इम्पॉर्टेंट है। डी क्या करेंगे, अगर गेट्स शेयर फ्रॉम अनडिवाइडेड कोपासनरी प्रॉपर्टी बिकॉज शी वॉज अ डॉटर लिविंग कोपासनर एक्स ऑन 2005, क्योंकि जब 2005 का जब पहले अमेंडमेंट आया था उसमें ये बोला जा रहा था कि अगर फादर की डेथ नहीं हुई है, अगर फादर लाइव है, जिंदा है, तभी क्या होगा, बेटी को शेयर मिलेगा, अगर उसकी डेथ हो गई तो शेयर नहीं मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे इसीलिए स्पेसिफिकली क्वेश्चन में आपके ईयर दिया गया है कि एक्स की डेथ कब हुई है, 2006 में, तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या मिलेगा उसको, शेयर मिलेगा, डी को शेयर मिलेगा अकॉर्डिंग टू द जजमेंट। प्रकाश वर्सेस फूलवती 2016 का जजमेंट आया था, जहाँ पे बोला था कि नो डॉटर्स हैज़ राइट टू क्लेम शेयर इन कोपार्सनरी प्रॉपर्टी बिफोर 2005। 2005 से पहले तो कोई राइट ही नहीं था, लेकिन 2005 के बाद क्या हुआ, उनको राइट टू क्लेम मिला इन द कोपार्सनरी प्रॉपर्टी, लेकिन एक कंडीशन थी, कंडीशन ये थी दैट शी मस्ट बी डॉटर ऑफ लिविंग कोपासनर इन ऑन 2005। लिविंग कोपासनर यानी कि उसके फादर को अलाइव होना चाहिए। इफ हिज डॉटर हिज फादर गॉट डाइड बिफोर 2005, अभी उसकी डेथ कब हुई है एक्स की, 2006 में, अगर उसकी डेथ 2004 में हो गई होती तो क्या डी को मिलता, अकॉर्डिंग टू दिस नहीं मिलता, ठीक है। देन शी कैनॉट क्लेम शेयर इन कोपार्सनरी प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जब पार्टीशन हुआ तब भाई उसका राइट ही नहीं बन रहा था, क्योंकि डेथ पहले हो गई थी, बाद में हुई है इसलिए उसका राइट बन रहा है। हेंस डीज फादर गॉट डाइड इन 2006 एंड नॉट इन 2005, सो शी फुलफिल्स दिस कंडीशन, ओके, फुलफिल्स दिस कंडीशन, तो इसलिए उसको क्या मिलेगा, पार्टीशन में उसका शेयर मिलेगा। ये तो हो गई हमारे अकॉर्डिंग टू केस लॉ 2016। अब अगर हम बात करें जो हमारा जजमेंट आया है 11th अगस्त 2020 में, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ था कि डॉटर्स वुड हैव इक्वल कोपार्सनरी राइट इन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टीज इवन इफ देवर बॉर्न बिफोर 2005 अमेंडमेंट टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट, रिगार्डलेस वेयर देयर फादर कोपार्सनर हैड डाइड बिफोर अमेंडमेंट। यानी कि अमेंडमेंट के पहले क्या, इन्होंने पहले क्या बोला था कि भाई अमेंडमेंट 2005 में लिविंग कोपार्सनर होना ज़रूरी है, अब इन्होंने जजमेंट में क्या बोला कि भले ही 2005 से पहले का उनका बॉर्न है, लेकिन अगर फादर की डेथ हो भी गई है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अमेंडमेंट के। अब जो जजमेंट है, अब जो रूलिंग है वो ये है कि आपको शेयर मिलेगा, फादर की डेथ हुई हो नहीं हुई हो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिगार्डलेस वेदर फादर कोपासनर हैड डाइड बिफोर द अमेंडमेंट, अब उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब सिनारियो देखो किस तरह से चेंज हुआ था, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, द कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट 2005 अमेंडमेंट वुड हैव रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट इन कंटरिंग द राइट्स ऑन द डॉटर्स विच हु वर अलाइव एट द टाइम ऑफ द अमेंडमेंट इवन इफ दे वर बॉर्न प्रायर टू इट। अब इन्होंने क्या बोला, इफेक्ट पे लाने के लिए कोर्ट ने बोला, रूल किया कि भाई 2005 का जो अमेंडमेंट था उसका कैसा इफेक्ट होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, ठीक।
भाई डॉटर्स जो उस उनको पूरे राइट्स मिलेंगे भले ही उनका जन्म पहले क्यों ना हुआ हो। अब ये इतना कॉम्प्लिकेट हो गया था कि कोपासनर को लाइव रहना चाहिए, जो डॉटर्स की है वो बर्थ को लेके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो यहाँ पे जो कोर्ट थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी फॉर द कोपासनरी राइट। तो इन्होंने ये बोला कि भाई फाइनली कि भाई डॉटर की बर्थ कभी भी हुआ हो, पहले बाद में कोई मतलब नहीं है, द डॉटर वॉज बॉर्न बिफोर और आफ्टर द अमेंडमेंट और टू द एक्ट वॉज इफेक्टेड, उससे कोई मतलब नहीं है। बाई वर्च्यू ऑफ एक्वायरिंग दिस राइट एट बर्थ, यानी कि जन्म से ही उनको ये राइट मिल जाएगा, ठीक, और इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द फादर कोपासनर टू हैव बीन अलाइव एट द टाइम ऑफ 2005 अमेंडमेंट, द कोर्ट हैज़ फर्दर क्लियरिफाइड। अब क्या हुआ, कोर्ट को इतना कॉम्प्लिकेशन कर दिया भाई, कोपासनर को 2005 से तक जिंदा होना चाहिए, जो डॉटर है उसका बर्थ तब होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे इतना कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो भाई कोर्ट ने बोला भाई हमें कोई मतलब नहीं है डॉटर का कब जन्म हुआ, कोपासनर जिंदा है कि नहीं है जिस टाइम पर आपका अमेंडमेंट हुआ, सीधी बात यह है कि डॉटर को बर्थ से ही राइट है इन अ एज अ कोपार्सनर इन अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। अब दिस राइट ऑफ द डॉटर कैन बी क्लेम्ड इन द लाइट ऑफ 2005 अमेंडमेंट, उसी के अकॉर्डिंग उनको मिलेगा जो भी उनका राइट है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि ओरल पार्टीशन के बारे में, ठीक, अगर बात हम करें ओरल पार्टीशन के बारे में, तो जो ओरल पार्टीशन है, अगर ओरल पार्टीशन है किसी प्रॉपर्टी का, तो उस ओरल पार्टीशन को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगी कोई भी स्टेट्यूटरी, कोई भी लीगल उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा। पार्टीशन कैसा होना चाहिए, ड्यूली रजिस्टर्ड होना चाहिए डॉक्यूमेंट पे। सेकेंडली इन्होंने बोला कि अगर कोई एक्सेप्शनल केस है, भाई चलो ओरल पार्टीशन हुआ लेकिन कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है उस पार्टीशन को एविडेंस करने के लिए, एविंस्ड करने के लिए, तभी हम क्या करेंगे, उसको इफेक्ट करेंगे, उसी को हम तभी हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, वरना हम क्या करेंगे, उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसको रिजेक्ट कर देंगे और आउटराइटली, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा कंक्लूजन है, क्योंकि प्रकाश फूलवती के केस में, देन विनीता शर्मा के केस में बहुत डिफरेंस आ गया, ठीक, तो इसको अब हम क्या करेंगे, दिस इज़ आर कंक्लूजन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इन प्रकाश वर्सेस फूलवती, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड द राइट अंडर द अमेंडमेंट आर एप्लीकेबल टू द लिविंग डॉटर्स ऑफ लिविंग कोपासनर ऑन 9/9/2005। अब 9/9/2005 क्या है, एनफोर्समेंट डेट है, ओके, व्हेन द अमेंडमेंट कम इनटू इफेक्ट, देन इररिस्पेक्टिव ऑफ द सच डॉटर्स आर बॉर्न। अदर वर्ड्स में क्या है भाई, इफ़ द कोपासनर यानी कि फादर की डेथ पहले ही हो गई, कब, 9 सितंबर 2005 से पहले हो गई है, तो लिविंग डॉटर ऑफ द कोपासनर वुड हैव नो राइट टू कोपासनरी प्रॉपर्टी, उसको कोई राइट नहीं मिलेगा। नाउ दिस जजमेंट क्लियरली ओवररूल द अबव मेंशन जजमेंट, दैट इज प्रकाश फूलवती जजमेंट, ओके। ये हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस था, केस भी कह सकते हैं, क्वेश्चन भी कह सकते हैं, प्री मेंस दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच, डू हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।